गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी वर्ड फाइंडर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम इंग्लिश वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट एन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट इंग्लिश वर्ड इज न्यू। इंग्लिश मीनिंग ऑफ न्यू इज रिसेंटली ग्रोन और मेड। न्यू का हिंदी मीनिंग है नया। For example, I like my new shoes. इसे हिंदी में बोलेंगे, मुझे अपने नए जूते पसंद है। Synonym of new are recent and original. अब next English word is next. English meaning of next is following immediately, in time or order. नेक्स्ट का हिंदी मीनिंग है अगला। फॉर एग्जाम्पल, आर कंप्यूटर इज इन द नेक्स्ट रूम। इसे हिंदी में बोलेंगे, अगले कमरे में हमारा कंप्यूटर है। सिनोनिम ऑफ नेक्स्ट आर कमिंग एंड फॉलोइंग। अवर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड इज नाइस। इंग्लिश मीनिंग ऑफ नाइस इज प्लीजिंग इन सैटिस्फैक्ट्री। नाइस का हिंदी मीनिंग है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ नाइस टाइम एट दिल्ली। इसे हिंदी में बोलेंगे, हमने दिल्ली में अच्छा समय बिताया। सिनोनिम ऑफ नाइस आर स्वीट एंड प्लेजेंट। आवर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड इज नॉइज। इंग्लिश मीनिंग ऑफ नॉइज इज अ लाउड एंड हर्श साउंड। इसका हिंदी मीनिंग है शोर। फॉर एग्जाम्पल, द नॉइज फ्रॉम आउटसाइड मेक इट हार्ड टू कंसेंट्रेट। इसे हिंदी में बोलेंगे, बाहर से आने वाले शोर से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। सिनोनिम ऑफ नॉइज आर क्लैमर एंड साउंड। अवर नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड इज नॉर्मल। इंग्लिश मीनिंग ऑफ नॉर्मल इज मोस्ट कॉमन और यूजुअल। नॉर्मल का हिंदी मीनिंग है सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर अ ह्यूमन इज 98.6 डिग्रीज फारेनहाइट। इसे हिंदी में बोलेंगे, मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। सिनोनिम ऑफ नॉर्मल आर एवरीडे एंड स्टैंडर्ड। लेट्स रिवाइज द वर्ड्स दैट वी लर्न टुडे इन इंग्लिश एंड हिंदी। न्यू नया, नेक्स्ट अगला, नाइस अच्छा, नॉइस शोर, नॉर्मल सामान्य। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। बाय।